हाय फ्रेंड, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को वेरिएबल और डेटा टाइप के बारे में बताया था, आज मैं इस वीडियो में ऑपरेटर के बारे में बताना चाहूँगा कि पाइथन में ऑपरेटर का यूज़ और ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। ऑपरेटर 6 टाइप्स के होते हैं। पहला अर्थमैटिक, दूसरा रिलेशनल, तीसरा लॉजिकल, बिटवीज, असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। हम बात करेंगे अर्थमैटिक ऑपरेटर की। तो अर्थमैटिक ऑपरेटर जो है, मैं पाइथन में अर्थमैटिक ऑपरेटर का प्रयोग गणित में किया जाता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। इसके अगर आप कहें तो चलिए ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं। ए की वैल्यू अगर मैंने 25 दी, बी की वैल्यू 2 दी मैंने, और मैं चाहता हूं कि ए प्लस बी कर दिया जाए। देखिए 27 आ गया, ये नीचे का आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको पहले कमेंट कर दूँ, आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए 25 और 2 ऐड किया तो 27 आ गया। ओके, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 25 2 50। और मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करके यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर लेता हूँ, ओके। तो अर्थमैटिक ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की, जिसमें डबल इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल का यूज करते हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। यहाँ कंडीशन के अनुसार या तो ट्रू रिटर्न करता है या तो फॉल्स, जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, इसको हम हटा देते हैं, ओके। और इस एग्जांपल को दिखाते हैं। मैंने ए की वैल्यू 21 दी है और बी की वैल्यू मैंने 15 दी है। अगर इफ ये सारी चीज़ें मैं बाद में भी इफ एल्स लॉग सब फॉर लूप वगैरह बताऊंगा, कंडीशंस वाले चैप्टर में बताऊंगा, तो हर चीज़ को क्लियर कर दूंगा। अभी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने ले रखा है। यहाँ पर एक कंडीशन लगाया इफ, जिसके अंदर a इक्वल इक्वल b दिया है। अगर a b के बराबर होगा तो प्रिंट हमारा करेगा a इज इक्वल टू b, यानी कि a जो है b के बराबर है। अदरवाइज अगर बराबर नहीं होगा तो हमारा आंसर देगा a इज नॉट इक्वल टू b, यानी कि a b से बराबर नहीं है। आइए चलते हैं, करके देख लेते हैं। रन कराने पर आया आपके सामने a इज नॉट इक्वल टू b। देखिए यहाँ पर, क्योंकि a जो है हमारा b के इक्वल नहीं है, अब हम चाहें इसको भी 15 कर दें तो अब क्या आंसर आएगा। तो अब बोल रहा है a इज इक्वल टू b, यानी कि a इक्वल के b के बराबर है, ओके। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम और भी चीजें चेंज करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। तो लॉजिकल ऑपरेटर, यह बूलियन एक्सप्रेशंस को कंपेयर करता है, यह बूलियन एक्सप्रेशंस को कंपेयर करता है तथा बूलियन रिजल्ट रिटर्न करता है। लॉजिकल ऑपरेटर बूलियन रिजल्ट रिटर्न करता है। इसे हम एंड और नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और बिटवीज ऑपरेटर की बात करें तो बिटवीज ऑपरेटर ये बिट्स पर कार्य करता है। ये जो है बिटवीज ऑपरेटर बिट्स पर कार्य करता है, बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करता है।
बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एग्जांपल यह है, एक्स इक्वल 10 दिया है मैंने, वाई इक्वल 4 दिया है, इसे बाइनरी में भी कर सकते हैं, एक्स इक्वल 0000 और 1010, और 4 की वैल्यू हो जाएगी वहाँ पर, यहाँ पर वाई की 0000010। तो इस तरह हम बाइनरी में लिख सकते हैं। इसके ऑपरेटर्स पहला एंड से, और नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर, पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने में किया जाता है। जो असाइनमेंट ऑपरेटर है पाइथन में, असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने में किया जाता है। इसको हम इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लिकेशन इक्वल, डिवीजन इक्वल और परसेंटेज इक्वल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स दो ऑब्जेक्ट के मेमोरी के लोकेशन को कंपेयर कराता है। जो हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर है, दो ऑब्जेक्ट्स के, यानी कि दो ऑब्जेक्ट हो उसके मेमोरी लोकेशन को कंपेयर कराता है। अगर हमने दो ऑब्जेक्ट दिया है और उन दोनों की अलग अलग मेमोरी है, तो उसके लोकेशन को कंपेयर कराने के लिए, जैसे इज और इज नॉट है, अगर एक्स एक मेमोरी है, दूसरा वाई जो है दूसरी मेमोरी है, तो इज वाई यानी एक्स इज वाई, तो ये क्या कर रहा है, मेमोरी के लोकेशन को कंपेयर कर रहा है कि ये एक्स से वाई है या नहीं है, और यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, एक्स इज नॉट वाई। ओके, तो इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर को। अब यहाँ बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की। मेंबरशिप ऑपरेटर का प्रयोग सीक्वेंस में मेंबरशिप को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, वो सीक्वेंस में मेंबरशिप्स को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। इसे हम इन और नॉट इन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें लिस्ट को ट्रू और फॉल्स को चेक करने के लिए किया जाता है। इसका यूज लिस्ट के लिए ही की करते हैं। ओके, थैंक यू। और ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।